तो ये इनविटेशन जब मेरे पास में ईमेल से पहुंचा, तो मैं अपने आप को हाँ कहने से रोक नहीं पाया और मुझे खुशी है कि मैं उस दिन हाँ कहा अपने स्टाफ को कि मैं इस प्रोग्राम में जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जिज्ञासा थी। यहाँ प्रोग्राम में आना तो एक बहाना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत सारी चीज़ें जानी थी। उस जिस वक्त आपका पहला बैच, एक बैच पहली बार आया था मेरे यहाँ ऑफिस में, उस वक्त से भी मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी और एक कौतूहल था कि कैसे देश में जहाँ कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये परमिशन देने को तैयार नहीं है कि बड़े होकर नेता बन जाना, वैसे देश में नेताओं की पढ़ाई हो रही है, वैसे देश में नेताओं का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो रहा है, नेता बनाने का कॉलेज चल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, कौन सी टीम है, क्या करती है? मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, आप में से भी जो यहाँ 35 के बैच में हैं वो भी, और जो नॉन 35 के बैच में हैं वो भी सभी, और जो इन बैचेस में नहीं हैं, हम सब इधर और इधर दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं अपने बचपन को याद करें तो हम में से किसी ने नेता बनना नहीं सोचा था। और आज भी मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, भाई पढ़ते क्यों हो, 20 साल एजुकेशन को देके, तो मुझे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए पढ़ते हैं, देश को आगे लेके जाना है, फैमिली को आगे लेके जाना है, कुछ नया करना है, गरीबों की मदद करनी है, महिलाओं को आगे लेके जाना है। मेरे माता पिता रिक्शा चलाते थे, मैं नहीं चाहता कि वो रिक्शा चला के हमारी अगली पीढ़ी रिक्शा चलाए। यहाँ से लेके IAS बनना है, IPS बनना है, मैनेजर बनना है, कंपनी चलानी है, बिजनेस करना है, मुझे IT में नए सॉल्यूशंस लाने हैं, यहाँ तक के ड्रीम्स मैंने आज भी स्कूलों में देखे हैं, लेकिन आज तक मैं एक भी स्कूल में एक भी बच्चे का हाथ ये कहते हुए नहीं सुन पाया। मैंने लाखों बच्चों से बात की है कि जी मैं बड़ा होकर पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ। वैसे में एक कॉलेज चल रहा है, एक यूनिवर्सिटी एक पूरा प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन का चला रही है, ये बड़े साहस का काम है। और इस साहस के लिए सर मैं आपको और यंग राहुल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए सर क्योंकि अभी आपने दोनों अलग अलग दो विचारधाराओं के साथ लेकिन एक ही बात को सुना। पिनाकी सर बैठे हैं यहाँ पर, हम सब देखते रहे हैं उनको 20 साल से, लगभग 15 से 20 साल से, और बल्कि पूरे जीवन इनका हुआ दिल्ली में, दिल्ली से पढ़े सेंट स्टीफन से, उसके बाद से देश की हर ज़रूरतमंद आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक लाने में और हर ज़रूरतमंद आवाज़ को पार्लियामेंट तक लेके जाने में, एक हम मतलब न्यू जनरेशन पॉलिटिशियंस, लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में भी मैंने देखा, एक सिटीजन के रूप में भी देखा। प्रियंका बैठी हुई हैं जिनको आज मैंने एक डिफरेंट पैराडाइम पे खड़े होकर सुना, हमेशा TV पे देखता हूँ और बहुत पुरजोर तरीके से अपने बात को, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत सलीके से अपने बात को रहते हुए देखता हूँ। वैसी पॉलिटिकल पीढ़ी के बीच में 35 न्यू पॉलिटिशियंस इस देश को दिए जाने का एक उपक्रम चल रहा है हर साल, इसको देखने की मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, इसको समझने की मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, और इस कैंपस में आए बिना ये समझना मुश्किल था। राहुल से यहाँ खड़े होके मिले बिना, विश्वनाथन सर से यहाँ खड़े होके मिले बिना, इस वातावरण में आए बिना ये समझना मुश्किल था, इसलिए मैं सहज जिज्ञासा में यहाँ आया हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं आज जो नई पीढ़ी पॉलिटिशियंस की, जो फ्यूचर पॉलिटिशियंस की आप तैयार करना चाहते हैं और जो एस्पिरेशंस हैं, उस सब में मैं आज यहाँ कोई कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, लेकिन मेरी अपनी जिज्ञासा थी इसलिए मैं आया हूँ, इसीलिए मैंने बात रखी। लेकिन साथ साथ जितना विश्वनाथन सर के बारे में मैंने सुना, कोई है इस देश में, मैं जब बात करता हूँ एजुकेशन पे क्यों पढ़ते हैं, तो हर आदमी देश का नाम रोशन करने के लिए पढ़ता है, कैरियर बनाने के लिए पढ़ता है, फैमिली को आगे ले जाने के लिए पढ़ता है। मैं 24 अभी एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद से मुझे वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिला, जहाँ दुनिया भर के एजुकेशन मिनिस्टर्स आते हैं। तो पीछे मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया मॉस्को में, वहाँ पे 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, और हर एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ बता रहा था कि भाई हम अपने यहाँ इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं, हमने इतना वर्चुअल क्लासरूम बना दिया है, हमने टीचर्स की कमी को ऐसे हैंडल किया है, हमने टेक्नोलॉजी की कमी को ऐसे हैंडल किया है। मुझे भी वहाँ 10 मिनट अपनी बात रखनी थी भारत की तरफ से। मैंने उनसे कहा, जेंटलमैन एंड लेडीज़, हम लोग यहाँ बता रहे हैं सारे 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठ के कि हमने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी के दरवाजे कितनी शिद्दत से खोल दिए हैं। टेक्नोलॉजी तो मार्केट है, वो अपने आप हमारे कमरे में घुसेगी, हम दरवाजे खोल के कोई रिफॉर्म लाए ना लाए, एक दिन आ जाएगी, किसी के यहाँ एक साल पहले आएगी, किसी के यहाँ एक साल बाद आ जाएगी। पर जब 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो क्या हम इस बात पर चिंता कर सकते हैं? और सर ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का बड़ा मन था,
कि क्या 45 देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठ के इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि हम एजुकेशन मिनिस्टर्स दुनिया को आश्वासन दिलाते हैं कि चिंता मत करो, तुमसे युद्ध हथियार और तमाम शांति वार्ताओं के बावजूद आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा, हम एजुकेशन मिनिस्टर्स इस देश से दुनिया से आतंकवाद खत्म करके दिखाएंगे। क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं?